आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना फ्रंटलाइनर्स। मेरे पास 30 मार्च को फोन आता है सुबह हॉस्पिटल से कि आज आपकी ड्यूटी फॉरेन आइसोलेशन वार्ड में लगा दी गई है। वो सीधा ही मुझे नाइट ड्यूटी में बुलाते हैं। वहाँ मैं देखती हूँ कि चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट सोए हुए हैं, कोई किसी को ऑक्सीजन लग रही है, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। पेशेंटों के सबके मुंह पे मास्क लगे हुए हैं, सारा स्टाफ एक दूसरे से चुप है। एक तरफ कोई एक्सरे वाला आ रहा है तो वो भी पूरे उस किट के अंदर एक्सरे कर रहा है पेशेंट के। तो मैं देखकर एकदम से सन्न रह गई फर्स्ट डे से। कोरोना वायरस से लड़ाई में फ्रंटलाइन पर तैनात मेडिकल नर्स बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में काम कर रहे हैं। 12 से 13 घंटे में एक बार भी वॉशरूम नहीं गई, क्योंकि मैं घर से ही इस तरीके से प्रिपेयर होके जाती थी। मतलब अपने रूम से जहाँ मुझे ठहराया था वहाँ से मैं ऐसे ही प्रिपेयर होके जाती थी कि भाई मुझे अब ये पीपी किट पहनना है। तो 12-13 घंटे मुझे मतलब मैं पानी ही नहीं पीती थी उन 13 घंटों में। वो समाज के लिए ढाल बन गए हैं। हम वाल की तरह खड़े हैं, सोसाइटी और इस कोरोना के बीच में हम वाल की तरह खड़े, दीवार की तरह खड़े हैं। अगर हम ही यहाँ से इधर उधर होंगे, हम ही कमजोर पड़ जाएंगे, दीवार कमजोर पड़ जाएगी, तो फिर सोसाइटी को कौन बचाएगा। और अपने परिजनों तक से नहीं मिल पा रहे। वो कहते हैं कि पापा आपकी ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आप पहले तो रोज घर आ जाते थे, आजकल घर ही नहीं आते हो, एक महीना हो गया, आज आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा कहते पर आते नहीं हो। हमारे इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी भावनाओं को काबू कर अपने आप को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया है। 14 दिन मैंने ड्यूटी करी तो तब मुझे बच्चों से बहुत दूर रही, मुझे खुद को रोना भी आया कि बच्चों से मिल नहीं पा रही हूँ। तो मैं वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात कर लेती थी, पर बच्चे भी वो लगा जैसे कि मेरे ही बच्चे मुझसे ही दूर हो गए। फीलिंग्स तो आती है, आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं पूनम कौशल और ये है कोरोना फ्रंटलाइनर्स का नया एपिसोड, जिसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं अस्पतालों में मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों से। हमारे साथ हैं, मेरा नाम उर्वशी गोस्वामी है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं घनश्याम शर्मा, मेल नर्स के पद पर हूँ मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में, कोरोना आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत हूँ। कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए तिमारदार नहीं होते हैं, ऐसे में नर्स ही उनका एकमात्र सहारा होती है। उर्वशी बताती हैं, आइसोलेशन वार्ड के पास न तो कोई पेशेंट के अटेंडर आते हैं नहीं जाते हैं, और पेशेंट जो भी है उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं उन पर सबको हमको ही सब काम करना पड़ता है। मतलब उनको टाइम से टाइम खाना देना, चाय बिस्किट देना, और उनके पेशेंट की पल्स और पल्स रेट, उनका SpO2 सब बार बार जैसे हर 6-6 घंटे में हम चेक करते ही रहते हैं, और बीच में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको ऑक्सीजन भी लगा देते हैं, और उनके पल्स और BP वगैरह ये हम हर मतलब कि 2-2 घंटे में हम नोट करके उसका एक टेम्परेचर चार्ट बना रखा है, वो उसको हम नोट करते रहते हैं। तो पेशेंट को भी लगता है कि चलो हमारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ये लोग और इलाज अच्छे से हो रहा है। और पेशेंट को भी हम बार बार ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ आए हो तो अब आ ही गए हो, कोरोना हो ही गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक होकर जाओगे आप। इस तरीके से उनका मतलब आत्मबल बढ़ाते हैं हम। नर्स सिर्फ मरीजों की सेहत का ही ध्यान नहीं रखते बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत रखते हैं। घनश्याम शर्मा बताते हैं, मैम ऐसा है कि उनकी जो मनोस्थिति है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे बीमारी नहीं है तो मेन वो भय है उनके अंदर, जो डर है। तो हमारा मेन काम है उसको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो करना ही करना है, पर उसके साथ में उसके मन में जो डर है वो निकालना है कि इससे कुछ नहीं होता है। मेन ये है कि भाई बढ़िया से खाओ पियो और थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ेगी, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, तो अपने आप ये वायरस है जो इसका कोई इलाज तो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, चल रहा है प्रयास पर, वैसे इसमें अगर इम्यूनिटी सही है तो बॉडी अपने आप करके रिकवर कर लेती है वो वापस एंटीबॉडी बना के। तो इसी तरह उसको समझाते हैं और बढ़िया खान पान पर ध्यान देते हैं, मेन यही है उसकी भी डाइट सही हो
उसका न्यूट्रिशन सही हो तो जल्दी रिकवर कर जाता है। और उसको मतलब कुछ न कुछ तरह से, काफी लोग होते हैं तो फिर उनको समझाते, वृद्ध आदमी होते तो वो रुकते नहीं है, तो उनको हम कुछ न कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट करके या उनको कुछ समझाते हैं कि ऐसा है, ये इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है, हम उन्हें हौसला देते हैं कि आपके बेटे हम हैं, इस तरह से उनको मतलब वो हौसला देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं, तब जाके वो मानते हैं कि हाँ चलो ठीक, उनका फेथ है, उनका विश्वास जीतना है हमारा मेन काम, ताकि वो वहां रुक सके, मेन ये है बेड पे रुक सके वो, ये है। आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मन में कई सवाल होते हैं, ये नर्स उनकी देखभाल करने के अलावा उनके इन सवालों का भी तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिकवर कर सकें। पहले तो पेशेंट तो बोलते हैं कि हमारी रिपोर्ट कब आएगी, हमें कब घर भेजोगे, क्योंकि वो खुद भी बंदा परेशान होते, पता नहीं कोरोना कैसी महामारी है, क्या होता है इसके अंदर, पेशेंट खुद इस तरीके से परेशान होते हैं कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हुआ और मेरे पास वाले बेड वाले को अगर कोरोना हुआ तो मुझे भी उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब चीज हम सब जैसे किट में जाते हैं तो उनको यूँ लगता है कि ये तो सब किट में आ रहे हैं और हम ओनली फॉर मास्क लगा के और ऐसे बैठे हैं, तो कहीं हमें वास्तव में इतनी गंभीर बीमारी है जो ये इस तरीके से आ रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन भी करते हैं कि भाई जैसे आप हमें बार बार मतलब ये देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो वाकई हम हमें कोई बीमारी है क्या यूं, क्योंकि इसमें कोरोना में क्या होता है कि जैसे पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टेजेस होती है, इसमें जिसके मतलब इन्फेक्शन शुरू ही हुआ होता है तो उसको इतना पता नहीं चलता, लेकिन जिसके सेकंड थर्ड इसमें स्टेज में चला जाता है तो उसको पता चलता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है, उसको बार बार जी मचना था उसका दिक्कत होती है, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो एज वाले होते हैं जो तो इस चीज को नहीं कर सकते, उनको सांस लेने में उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है बार बार, उनका टेम्परेचर वगैरह मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उनको पेशेंट को, तो उन वो पेशेंट यूँ सोच रहे हैं कि चलो मैडम आप हमारी कब रिपोर्ट आएगी और कब हमारी छुट्टी होगी, कब आप हमें घर भेजोगे, तो उनको ये बताना पड़ता है कि अब आप यहाँ आए हो तो निश्चिंत रहो पूरी तरीके से ठीक होके ही जाओगे। अगर आप किसी पेशेंट का जैसे फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव वाले के साथ दूसरे भी रहे हुए हैं तो वो सस्पेक्टेड के तौर पे वो भी एडमिट होते ही हैं, तो सब पेशेंटों की जो सैंपल जाते हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हम उनको कहते हैं कि भैया देखो आज आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई है तो अगले दो टेस्ट और होंगे, वो अगर आपके नेगेटिव आ जाएंगे तो आपको छुट्टी करके आपके घर पर भेज देंगे और आपको वहीं पर होम क्वारंटाइन में किस किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कैसे अलग कमरे में रहना है, वो सारी चीजें हम उनको बताते रहते हैं। कोई पेशेंट परेशान भी हो जाता है तो वो किसी और से तो कुछ कह नहीं पाता है, वो हमसे ही कहता है जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे ही, क्योंकि उनके पास मोबाइल होते हैं तो वो घर पर बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात हम उनकी नहीं सुन पाते हैं तो वो हमसे ही आके पूछते हैं, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप परेशान मत हो, आप निश्चित तौर पर ठीक हो गए जाओगे, जैसे कि अब तक पहले भी दो तीन पेशेंट इस तरह से ठीक हुए हैं कई जगह, तो हम उन्हें सांत्वना देते हैं कि भाई आप ठीक हो जाओगे। अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में कई बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं। घनश्याम बताते हैं कि बच्चों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे 5 साल का बच्चा है तो वो भी अपने साथ कुछ किसी को रख नहीं सकते हैं, ये है, तो वो थोड़ा सा उसके याद आती है घर वालों की तो वो थोड़ा परेशान रहता है, पर हम उनको कैसे भी एंटरटेनमेंट करके या कुछ भी ऐसे समझा के मना के उसको दुलार के पुचकार के मतलब खाना खिलाते हैं, उसको होम जैसे वो घर पे है वैसा उनको माहौल देने का प्रयास करते हैं, और फिर बच्चा धीरे धीरे वो सेट हो जाता है। जैसे एक बच्चे ने डिमांड की कि मेरे कुछ खिलौने वगैरह या यू वो लाओ, तो वो तो अभी हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं था, तो फिर हमने वहीं से एक पेपर लिया ड्राइंग के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, और वो हमारा जो स्केच पेन था उसमें उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, उसने मतलब स्टे होम स्टे हेल्दी की एक शानदार पेंटिंग बनाई थी, एक बच्ची थी गुड़िया गुंजन, उसमें बच्चों को तो हम संभाल ही रहे हैं, विशेष ध्यान रख रहे हैं उनका। और कोरोना वायरस वार्ड में काम कर रहे नर्स को हर वक्त पीपीई किट पहननी होती है जिससे काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उर्वशी बताती हैं कि वो 12 घंटे की ड्यूटी बिना टॉयलेट जाए करती हैं। पीपीई किट में क्या है कि नीचे पैर के सॉक्स अलग होते हैं, उसमें हमने और जूते पहने हुए होते हैं, फिर अंदर ड्रेस अलग, और उसके ऊपर वो इतना मोटा सा पीपीई किट पहनते हैं, फिर अंदर एक गाउन भी होती है कि पीपीई किट के अंदर हॉस्पिटल की, वो पहननी पड़ती है, उसके बाद ऊपर मास्क लगाना पड़ता है, उसके बाद 95 मास्क और लगाते हैं उसके ऊपर हम, और उसके बाद आंखों के ऊपर चश्मा लगाते हैं, सिर पर पूरी कैप होती है,
तो पीपी किट में मतलब हमको जब तक मेरी ड्यूटी है, जैसे मैंने अक्सर मैंने मतलब 7 दिन की फर्स्ट बार जब शुरू हुआ था 20 मार्च से भिलवाड़ा में, तब तो मैंने लगातार नाइट ड्यूटी की थी, तब मुझे ध्यान है कि मैंने 12 घंटे की इस ड्यूटी के अंदर लगभग 13 घंटे हो ही जाते थे मैं 12 से 13 घंटे, तो उसके अंदर मैंने पीपी किट एक बार भी नहीं खोला। ये कंडीशन रहेगी पीपी किट नीचे पैरों से पहनकर और फिर ऊपर की तरफ पहनना पड़ता है, तो लेडीज को तो काफी दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि वो न तो उसमें टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो पीपी किट से संक्रमण होता ही है, पूरा अगर खोल के और फिर टॉयलेट जाए तो नया पीपी किट पहनना पड़ता है। मेरी नाइट ड्यूटी 7 दिन की रही, तो मैंने 12 से 13 घंटे में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक बार भी वॉशरूम नहीं गई, क्योंकि मैं घर से ही इस तरीके से प्रिपेयर होके जाती थी, मतलब अपने रूम से जहाँ मुझे ठहराया था वहां से मैं ऐसे ही प्रिपेयर होकर जाती थी कि भाई मुझे अब ये पीपी किट पहनना है, तो 12-13 घंटे मुझे मतलब मैं पानी ही नहीं पीती थी उन 13 घंटों में, इतनी मतलब ड्यूटी में मैंने सावधानी बरती, क्योंकि अगर मैं उसे खोलूंगी तो कैसे क्या खोलूंगी, और फिर उसके अंदर ये है कि जैसे अपन वही मतलब उसको खोल के और थोड़ा रिलैक्सेशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि पेशेंट बार बार कंप्लेन करते हैं, तो फिर वो तो पहने ही रखना पड़ता है, और मास्क वगैरह और कंप्लीट डबल डबल ग्लव्स और सब कंप्लीट, उसमें गर्मी तो काफी लगती है, और उसकी वजह से मेरे तो हाथ पैर पे दाने वगैरह भी हो ही गए थे इससे, तो उसमें परेशानी तो है मैडम, लेकिन हमने पहना है ये। इसके अलावा बढ़ता तापमान भी काम को और मुश्किल कर रहा है। मैडम बहुत मुश्किल है, पर अभी उसमें रहना ही जरूरी है, मेन उपाय ही प्रोटेक्शन है इसमें, तो हमारे को तो रहना ही है। अभी टेम्परेचर भी जैसे 40-45 डिग्री वो जा रहा है सेंटीग्रेड, तो अभी उसमें और पसीना ज्यादा आता है, तो जब कपड़े खोलते हैं तो पूरे पसीने से तर बतर रहते हैं, पर जो भी है हम ये सोचते हैं कि भाई जो भी कर रहे हैं हम देश के लिए कर रहे हैं, मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, और हमारा जीवन उन्हीं को समर्पित है। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नियमित सेवन करता है। हमने जैसे 7 दिन ड्यूटी करी, तो फर्स्ट सेकंड डे से हमें हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टेबलेट हमको देनी शुरू कर दी थी, तो हमने 200-200 mg की टेबलेट सुबह शाम लेकर और ऐसे 7 दिन ली, उसके बाद 7 दिन नेक्स्ट 7 दिन बाद वापस टेबलेट ली, ऐसे लगभग मेरा चल ही रहा है कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टेबलेट अपने ऑफिस से जाकर और अपना नाम लिखवा कर और वहाँ से लेनी है, और खुद जाकर मतलब लेनी कि हम आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने हमें बोलना है कि भाई आप ये लेंगे तो इस दरमियान कोई प्रॉब्लम भी हो तो ये टेबलेट काफ़ी इफेक्टिव है, तो इससे अपने को बचाव मिलता है, तो हम ये ले रहे हैं मेडिकेशन के तौर पर। तमाम सावधानियों के बावजूद मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। भारत में अब तक करीब 500 नर्स और डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना वार्ड में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ के मन में भी डर होता है। मैडम जब मैं कोरोना वार्ड में जाती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे वो लगता है कि ये मेरी एक ड्यूटी है और मुझे करनी ही है। अब भगवान ने मुझे अगर मौका दिया है इतना बड़ा, पूरे जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है जिस बीमारी से, और इतनी वैश्विक महामारी है, इसके अंदर जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमें मतलब स्वास्थ्य कर्मियों को और सबको इतना वो कर रहे हैं सपोर्ट की, ये बहुत काम कर रहे हैं, तो वास्तव में वो वाली फीलिंग ही आती है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो एक सैनिक की भांति हमें लगता है कि अब हम चले गए हैं हॉस्पिटल और अब हमें हमारा काम पूरी तरीके से करना है। हम किट पहनते हैं प्रॉपरली, पहले खुद अपने आप को पूरी तरीके से सेफ कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, किट पहनकर और मास्क वगैरह लगाकर और ग्लव्स डबल डबल ट्रिपल ग्लव्स पहनकर और अपने आप को बिल्कुल सेफ कर लेते हैं। उसके बाद सैनिटाइजर अपने पास ही रखते हैं, किसी भी चीज को छूने के बाद हम सैनिटाइज करते रहते हैं, और दिमाग में यूँ लगता तो है डर कि देखो अपने भी 2 बच्चे हैं और घर परिवार है, लेकिन अब इस ड्यूटी पे लगा ही दिया है तो अब ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, और फिर इतनी बड़ी बीमारी है तो इसके अंदर डर लगते हुए भी पहले अपना कर्तव्य नजर आता है। वहीं कोरोना योद्धा घनश्याम कहते हैं कि अब डर उनके दिल से निकल गया है। शुरू में मैडम डर था, पर अब हमारे क्या डर से आगे की सिचुएशन हो गई है, डर हम भूल गए हैं, हमारे एक जज्बा है, एक वो हम ऐसे मानते हैं कि सीमा पे जैसे जवान खड़ा है वैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए जो रहते हैं वही हमारे पास है, ये है कि वो दिखते हुए दुश्मन से लड़ रहे हैं, हम अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, पर हमारी फीलिंग है वो सीमा पे जो जवान खड़ा है वो वाली फीलिंग ही है।
कोरोना फ्रंटलाइनर्स सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे बल्कि मानवीय रिश्ते भी बना रहे हैं। घनश्याम ने अपनी बेटी के लिए खरीदे कपड़े अस्पताल में भर्ती उस बच्ची को दे दिए जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक बेटा मैं एक बात बताता हूँ, मैं हमारे वार्ड के अंदर एक छोटी सी बच्ची आई थी, मतलब उसके कोई अटेंडर नहीं थे, तो वो बाल कल्याण समिति के माध्यम से आई थी वो बच्ची, तो मतलब वो हमारे को ऐसा लगा कि जैसे हमारी ही बेटी है, वो हमारा उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गया। मेरी बच्ची के लिए मैं एक नई ड्रेस लाया हुआ था तो मैंने उस बच्ची को गिफ्ट कर दी वो चीज, तो हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम मतलब अलग ही फीलिंग है इसमें काम करना, हम ये समझते हैं कि हम देश सेवा कर रहे हैं। उर्वशी 14 दिन ड्यूटी करती हैं और फिर इतने ही दिन क्वारंटीन में रहती हैं। संक्रमण के खतरे की वजह से वो अपने परिजनों से नहीं मिल पाती। मैडम मेरी फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं, एक 11 साल की है और एक 5 साल की छोटी बच्ची है, और एक मेरे हस्बैंड और हम 4 जने हैं, और हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम उसी में ही अलग रहते हैं, और मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी ये भी है उसी मकान के अंदर, तो सबको डर तो रहता ही है, क्योंकि मेरे सासू जी भी मुझे कई बार बुलाते हैं कि आप आओ आओ, तो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं उनसे पहले कह देती हूँ कि भाई मेरी कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगी है, 60 साल से ऊपर व्यक्तियों के पास आना जाना नहीं है, और बच्चों को मैंने वैसे भी समझा ही रखा है कि बच्चे अगर मतलब जिद भी कर दे मेरे पास आने की तो मैं अपने पतिदेव को कह देती हूँ। उर्वशी कहती है कि उस मुश्किल काम को उनके पति के सपोर्ट ने आसान कर दिया। वो हर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने जिस दिन फर्स्ट रेजिन ड्यूटी लगी थी तब मेरे साथ और भी लेडीज की लगी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी तर्क वितर्क देके उनकी ड्यूटी हटवा दी थी, और यहाँ भिलवाड़ा में सबसे पहले ड्यूटी लेडीज में मेरी लगी, तो मैंने इन्होंने मुझे कहा कि डर मत, तू ड्यूटी जा, तू कर, तू देख, एक बार तुझे पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे कहा, और उस वजह से मैंने ड्यूटी लगातार कंटिन्यू रखी। और इसमें ये करना पड़ता है कि मैं हॉस्पिटल से मैं जैसे जब तक मैंने ड्यूटी करी वैसे तो मैं वहीं रही हॉस्पिटल के अंदर ही, हमें एक अलग से क्वार्टर में कमरे दे दिए गए थे, वहीं रही थी, इनका फोन आ जाता, कोई भी चीज चाहिए थी लेके आ जाते थे। बाकी घर पर जब 14 दिन के होम क्वारंटाइन में आई थी तब इन्होंने मुझे मतलब मैं अलग ही रूम में रही थी, और इन्होंने मुझे अलग से बच्चों को मेरे रूम में आने जाने नहीं दिया, मैंने पूरा एहतियात बरता जैसे मास्क वगैरह लगाना और बच्चों से दूर रहना, बड़े बूढ़ों से दूर रहना, और खाना वाना भी मेरे पतिदेव ही बनाते थे, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं नहीं ये मौका हमें दिया है हम तो हमें उसको पूरी तरीके से निभाना है, क्योंकि इससे शायद हो सके कि हम कितने लोगों की जान बचा सकें, तो हम अगर इसमें एहतियात बरत लेंगे तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसलिए मैडम मेरे परिवार का तो मुझे फुल सपोर्ट मिला कि आप कोरोना वार्ड में ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उल्टा और लोग मुझसे जानकारी लेते थे कि फोन कर करके मुझे पूछते थे कि देखो इसमें कोरोना के अंदर हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहाँ से फोन कर रहा है, सब मुझे मेरे पीयर से इधर उधर से सब फोन कर करके मुझे पूछते थे कि कोरोना इन्फेक्शन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम बाहर की चीजें लाएं नहीं लाएं, सब्जियां लें नहीं लें, हर छोटी मोटी चीज के लिए मुझे पूछते थे और पता करते थे कि हमें कैसे एहतियात बरतना है। परिवार का साथ इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं को मजबूती देता है, लेकिन उन्हें चिंता भी सताई रहती है। हमारी फैमिली मैडम मम्मी पापा है, एक भाई है, दो सिस्टर है और दो छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनको डर रहता है, मम्मी का फोन यार रोज फोन आता है कि भाई कैसा है क्या चल रहा है कोरोना का ध्यान रखना, बच्चे भी वीडियो कॉलिंग करते हैं, वाइफ भी करती है, सिस्टर वगैरह का फोन आता है, तो वो सब चिंतित है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो तू अपना ध्यान रखना, पर हमारे यहाँ सेफ्टी के लिए पूरे पीपीई किट है, सारी सुविधाएं हैं, वो सारा सैनिटाइजर वगैरह सब सुविधाएं हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग। घनश्याम कहते हैं कि वो अपने परिजनों को समझाने की कोशिश करते हैं। उनको हम समझाते हैं कि हमारी पूरी प्रोटेक्शन है, वो सब बात बताते हैं कि अब कोरोना है चल रहा है, हमारी कर्तव्य है उसको निभाना जरूरी है। मैं एक बात और बताऊँ, मैं शुरू से आर्मी में जाना चाहता था और मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे भी एक लड़का एक लड़की है तो दोनों में से एक आर्मी जरूर जाए, ये है, तो वो जज्बा है, बस देश सेवा करनी है और तो उसके लिए सब कुछ वो है छोड़ना ही है। अपनी ड्यूटी की वजह से परिवार से दूर हमारे कोरोना फ्रंटलाइनर्स अपने कर्तव्य को ही पहली प्राथमिकता देते हैं। याद तो मैम आती है, बहुत मिस करते हैं उनको,
पर अब क्या करें, मजबूरी है कि भाई करना ही है, इसको हराना ही है कोरोना को। और अगर हम ही पीछे, एक हम वाल की तरह खड़े हैं सोसाइटी और इस कोरोना के बीच में, हम वाल की तरह खड़े, दीवार की तरह खड़े हैं। अगर हम ही यहाँ से इधर उधर होंगे, हम ही कमजोर पड़ जाएंगे, दीवार कमजोर पड़ जाएगी, तो फिर सोसाइटी को कौन बचाएगा? और सोसाइटी में हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार भी है, तो हमें यहीं डट के लड़ना है, यहीं इसको हराना है, यहीं कोरोना को रोकना है, ताकि ये सोसाइटी में नहीं जाए, हमारे परिवार और फैमिली तक भी नहीं जाए। ये है, तो हम दीवार बन के यहीं लड़ेंगे, यहीं हराएंगे इसको, ये है हमारा। घनश्याम की मासूम बेटी उनसे पूछती रहती है कि वो घर क्यों नहीं आ पा रहे। हाँ, वो कहती है कि पापा आपकी ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आप पहले तो रोज घर आ जाते थे, आजकल घर ही नहीं आते हो, एक महीना हो गया, आ जाऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा कहते पर आते नहीं हो, तो हमारे को तो यू पागल बनाते हो, आप ऐसी कौन सी ड्यूटी करते हो। अब वो समझते नहीं कि कोरोना क्या चीज है, वो है, तो उस हिसाब से वो रोज शिकायतें करती है, पर वह सुन लेते हैं, फिर उनको कोई बहाना बना देते हैं कि कल आ रहे हैं, ये लाएंगे, वो करेंगे, क्या करो अब रहना। ये है, कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है। भारत ने इस लड़ाई में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है और इसमें सबसे बड़ा योगदान सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ का ही है, जिन्होंने वायरस और समाज के बीच अपने आप को खड़ा कर दिया है। उर्वशी बताती हैं कि जब मरीज डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो वो उन्हें सख्त हिदायत देती हैं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो मैंने लगभग 15 पेशेंट को डिस्चार्ज कराया था मेरी ड्यूटी के अंदर, तो मैंने 15 ही पेशेंट को एक लाइन में खड़ा कर दिया, उनके मेरे साथ पिक भी लिए मैंने, और ताकि मेरी यादगार रहे, निशानी रहे कि मैंने इन पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो उन पेशेंट को मैंने ये बताया कि भैया देखो आप यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आप ये समझो कि हम यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं और हमें घर पर कुछ नियम जो मैं बता रही हूँ उनका ध्यान पूरी तरीके से रखना है। पेशेंट को हम सेट कहते थे कि भाई आपको अलग से अपने रूम में रहना है और बाथरूम में जब आप नहाने जाएं तो बाथरूम को प्रॉपरली क्लीन करके अपने कपड़े खुद धोकर छत पर सुखाने हैं आपको, और आपको अपने हाथ, अपने पास सैनिटाइजर रखने, किसी भी चीज को छुओ तो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, मुंह पे मास्क बांध के रखना है, और 14 दिन के इस सफर के अंदर आपको बच्चों से और बड़े बूढ़ों से दूर रहना है। जहां तक हो सके पूरी कोशिश करनी है कि आप जब किसी के संपर्क में भी आए, जैसे कोई एक व्यक्ति भी आपको बार बार खाना देने आए, पानी देने आए, तो कम से कम आप उस समय अपने मुंह पर मास्क जरूर लगा कर रखें, अपनी बेडशीट वगैरह ये सब आपको अलग रखनी है, क्योंकि 14 दिन में हो सकता है अभी आप यहाँ से ठीक होके जा रहे हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए घर पर, जैसे कोई वापस आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिर हॉस्पिटल लाना पड़े, तो आपके घर परिवार में ये मतलब ये संक्रमण ना फैले, इसलिए आपको 14 दिन ये एहतियात बरतना है पूरी तरीके से। इस सब के बावजूद कुछ लोग हैं जो मेडिकल स्टाफ पर सवाल उठाते हैं। उर्वशी का ऐसे लोगों से कहना है कि वो उनका काम देखें। मेरा उनको ये सुझाव है कि आप हम सब लोगों को कोऑपरेट करें, क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है जिसके अंदर प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी एक सैनिक की बात ही हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और एक जो सफाई कर्मी है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो उन व्यस्त सामानों को उठाकर बांधकर और ले जाते हैं, तो संक्रमण के खतरे में सभी हैं वहां पर। वो उन सबको मैं खुद भी मानती हूँ कि वो वाकई कोई काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी के अंदर किसी व्यक्ति ने मना नहीं किया कि नहीं नहीं हमारी ड्यूटी यहाँ लगी है तो हम नहीं आए, हम काम नहीं करें। सैनिटाइजर करने वाला आता है वो भी पूरी तरीके से सैनिटाइज करता है हर चीज को, तो हर व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं उनको ये है कि पहले आप हमारे काम को देखो तो सही, कितना काम है ऐसे समय में जहाँ सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही ये कोरोना का काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें आगे नहीं आ रहा है, जहाँ हर समय हम प्राइवेट हॉस्पिटल को महत्वपूर्णता देते हैं, वहाँ देखो आज सबसे बड़ी वैश्विक बीमारी में हॉस्पिटल सरकारी ही काम आ रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल के सारे लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से निष्ठा से काम कर रहे हैं। इतने इतने पेशेंटों में भी दो दो तीन तीन स्टाफ, 18-20 पेशेंटों के बीच दो दो स्टाफ, तीन तीन स्टाफ काम कर रहे हैं। एक पेशेंट की कंप्लेंट सुन के आते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे की कंप्लीट करते हैं तो तीसरा खड़ा हो जाता है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उससे ये हमारी दिन रात मदद कर रहे हैं, तो हमें भी इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ये इनको ही कल संक्रमण हो गया तो फिर कौन करेगा इन सब चीजों का ध्यान?
इसलिए मेरा मानना है कि उन सबको हम लोगों का सपोर्ट पूरी तरीके से करना चाहिए। वहीं घनश्याम मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जनता के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता। वो लोगों से फेक न्यूज ना फैलाने की अपील करते हैं। हमारी तरफ से तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मैम। मेन जनता को यह है, खुद की अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मेन जो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस इसमें मस्ट है। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप बाहर ना निकले, घर की दहलीज को एक लक्ष्मण रेखा माने और इससे बाहर ना निकले, और बार बार हाथों को धोए और सैनिटाइजर का प्रयोग करे, अफवाहों से बचे। एक दूसरे के मैसेज आते हैं जैसे व्हाट्सएप पे, तो इसको धड़ल्ले से गलत मैसेज को भी दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वो चीज गलत है। एक दूसरे को नहीं भेजनी चाहिए जो गलत हो, ऑथेंटिक नहीं हो, जो उसे डर फैलता है तो उसमें और वो ज्यादा समस्या आती है। या बहुत सारी अफवाहें जगह जगह अभी जो कुछ सुनने में आती है, तो पीड़ादायक ऐसी चीजें हैं कि जैसे हमारे कोरोना वॉरियर्स या हमारे नर्सिंग के डॉक्टर्स पे या पुलिस वालों पे जो हमले हो रहे हैं, तो ये सब ये अफवाहों की वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो मेनली मैं यही अपील करना चाहूंगा जनता से कि प्लीज अफवाहें नहीं फैलाए, सबको एकजुट होकर इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है। तो सबको, पूरे देश को एकजुट होकर, अभी जो लड़ाई है वो मेन कोरोना से है। हमारे कोरोना फ्रंटलाइनर्स ने अपना सब कुछ इस लड़ाई में लगा दिया है। हम उनके जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं। देश भर में लाखों नर्स दिन रात कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। हम उनके लिए इतना तो जरूर कर ही सकते हैं कि उनकी सलाह माने, घरों में रहें और इस लड़ाई में अपना योगदान दें। हमारी कोरोना फ्रंटलाइनर उर्वशी ने ये गीत आपके लिए गाया है। जीवन के दिन छोटे सही हम हैं बड़े दिल वाली, लार 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 ला कल की हमें फुर्सत कहाँ, हम हैं तेरे मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, गिर दिल तोड़ना भी जानी जानी, दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सजदे में ऊपर वाली, ला 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 कल की हमें फुर्सत कहाँ, ऊँचे जो हम मत वाले। कोरोना फ्रंटलाइनर्स के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाती हूँ घनश्याम शर्मा की इस कविता के साथ, जिसमें गांव से बिछड़ने का दर्द और सपने पूरे करने की कसक है। हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, सपने बुनने घरों से बाहर आए हैं, माँ का दामन भी उससे छुड़ा आए हैं, मीठी बोली को भी हम भुला आए हैं, थोड़ी यादों को भी हम संग लाए हैं, सुबह से सांझ तक, रात से भोर तक, प्यार से रार तक, गाय से मोर तक, सबको छोड़ाए हैं, हम निकल आए हैं, हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, अपनी किस्मत को गढ़ने, ऊंचे सपनों को छूने, अपनी मंजिल को पाने, अपने गम को भुलाने, घर के आंगन से लेकर खेत खलिहान तक, दादा दादी से लेकर अपनी पहचान तक, एक पल में उसे हम भुलाए हैं, हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, माँ को छोड़ा तो अब ये आंचल कहाँ पाएंगे,
भटकते रहेंगे अब जहाँ जाएंगे, होली दिवाली से लेकर रक्षाबंधन तक, ऊंचे मंदिर से लेकर मीठे प्रसाद तक, बड़ा आदमी बनूंगा ये सपना सभी को दिखा आए हैं। हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, हम शहर की भीड़ में हम तो खोने लगे, छुट्टी लगने की बातें हम तो जोने लगे, दम घुटने लगा है बेचैन होने लगे, मौत दहलीज आई, अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए है, मौत दहलीज आई हम तो रोने लगे, घर की चौखट से लेकर भाई के प्यार तक, पापा की डांट से माँ की पुचकार तक, सब भुलाने लगे याद आने लगे, जिनको बुलाने में हमको जमाने लगे, याद आने लगे हम परिंदे शहर तक निकल आए हैं, सपने बुनने घरों से बाहर आए। धन्यवाद मैम। आप अपनी प्रतिक्रिया radio@aajtak.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।